हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी की, जो कि एनजाइटी से मैं यहाँ पे बात करूँगा। और इनफर्टिलिटी में हम मेनली जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है आर्ट, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। सो ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं इनफर्टिलिटी से डील करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली इनफर्टिलिटी के बारे में। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, होता क्या है, एंड देन IVF क्या कैस क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। फिर हम ZIFT की बात करेंगे, ZIFT, जो कि एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड है। फिर हम GIFT की बात करेंगे, जो कि एंड में डिस्कस करेंगे। ICSI एक फर्टिलाइजेशन का मेथड है, ठीक है, और IUI एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मेथड है। सो इनफर्टिलिटी में देखें, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कपल्स फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग प्रेगनेंट। मैनी हैव फाउंड सक्सेस इन आर्ट। आर्ट इन्वॉल्व सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर टू हेल्प एड्रेस फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ प्रेगनेंसी। सो प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसिंग हेल्दी स्पर्म्स आर ऑफन मेन रीजन फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। देर आर वेराइटी ऑफ इशूज दैट कैन बी डायग्नोज। देखो, इनफर्टिलिटी के कोई एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक, मतलब सबके अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रीजन्स होते हैं, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। और जो मतलब और आर्ट क्या है, आर्ट कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की या फिर कई सारे टाइप की इनफर्टिलिटी को टैकल करने के लिए, ठीक है। इसमें कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, और फिर कई बार ये सक्सेसफुल होते हैं एंड वी गेट प्रेगनेंसी, ठीक है, फीमेल गेट प्रेगनेंसी। वी डोंट वंस अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैज मेड डायग्नोसिस, अ प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी रिकमेंडेड। डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी, पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट में इंक्लूड सर्जरी, ड्रग्स और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ICSI। सो हम यहाँ मेनली ICSI की सॉरी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे होंगे। सो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में IVF की बात करते हैं। देखो, IVF के अंदर भी बहुत सारी पर्टिकुलर मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर केस आया एंड हमने उसको डायग्नोस किया एंड हम देखा क्या क्या प्रोसीजर्स चाहिए तुमको, ठीक है। मान लीजिए मेल में स्पर्म काउंट कम है, इस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है ना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मैं देखूंगा कि कोई भी जो डॉक्टर होगा वो देखेगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट प्रोसीजर्स हैं जो हम कर सकते हैं ताकि फर्टाइल हो जाए, मतलब हो जाए प्रेगनेंसी, ठीक है। सो IVF एक प्रोसीजर है, इसमें कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। देर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन IVF एंड डिफरेंट वेज आर देयर टू डू दी स्टेप्स। तो मेनली तीन स्टेप्स हैं। पहला है ओवम एंड स्पर्म कलेक्शन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एंड अब इन तीनों स्टेप्स को करने के अलग अलग तरीके हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं। सो ओवम एंड स्पर्म कलेक्शन मेल का कैसे करते हैं, मेल में यूजली मैस्टर्बेशन से हो जाता है एंड प्राइवेट रूम्स होते हैं क्लिनिक्स में, और जिसमें एक अपना सैम्पल सबमिट करते हैं एंड कलेक्शन हो जाता है। एंड और अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई दिक्कत है, मान लो कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो कि तुमने कई सारी चीज़ें होती हैं। सो जैसे यहाँ पे एक दो मेथड्स का दो प्रोसीजर्स का नाम लिखा है, PESA एंड TESA। दीज आर मेथड्स परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज नो स्पर्म इन इजैकुलेशन। सो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे इजैकुलेशन में स्पर्म ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक मेडिकल कंडीशन है, तो इसको डील करने के लिए फिर इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं स्पर्म को लेने के लिए। सो इसमें क्या है, फाइन नीडल इज पास्ड इनटू द ट्यूब्स लीडिंग आउट ऑफ टेस्टिकल्स और द टेस्टिकल देमसेल्व्स टू रिट्रीव स्पर्म। सो मेन पर्पज इज टू रिट्रीव स्पर्म, एपिडर्मिस से ले लो या फिर डायरेक्टली टेस्टिकुलर में नीडल डाल के लो। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे डायरेक्टली एक नीडल टेस्टिस में ही डाल दी गई है एंड यहाँ पे एपिडर्मिस से ले लिया जा रहा है। सो बहुत सारे डिपेंड करेगा क्या क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है। फीमेल के लिए ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन इज यूजुअल रिट्रीवल मेथड मतलब रिट्रीव करना, यानी कि लेने का मेथड है। सो एन अल्ट्रासाउंड प्रोब इज इंसर्टेड इन टू योर वजाइना टू आइडेंटिफाई अ फॉलिकल, देन अ थिन नीडल इज इंसर्टेड इन द अल्ट्रासाउंड गाइड टू गो थ्रू द वजाइना एंड इन टू द
फॉलिकुलर टू रिट्रीव द एग्स। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है ये नीडल है बहुत थिन सी, जिससे डायरेक्टली यहाँ पर ये फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल है, यहाँ पे डायरेक्टली नीडल इसके अंदर इंजेक्ट, बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर होगा ऑब्वियसली, और ये एग है और इसको फिर यहाँ से रिट्रीव कर लिया जाता है। सो दिस इज़ द हाउ फीमेल का एग निकाला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पहला तो हो गया, पहले हमने इसकी बात कर ली कि ओवम कैसे, ओवम एंड स्पर्म कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ओवम एंड स्पर्म कलेक्शन हो गया, अब करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में एग इज़ फर्टिलाइज बाय इंजेक्टिंग अ सिंगल स्पर्म इनटू द एग, ICSI। देखो दो तरीके हैं यहाँ पे, पेट्री डिश पे एग और स्पर्म की मिक्सिंग कर दो। ठीक है, एक पेट्री डिश पे स्पर्म डाला, एग डाला और मिक्सिंग कर दी, एंड उससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दूसरा तरीका है कि ICSI। अगर देखो स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी कंडीशंस होंगी, बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारे डायग्नोसिस किए जाएंगे जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या करना है, बट व्हाट आई एम गेसिंग इज कि अगर स्पर्म मोटाइल है, अच्छा मोटिलिटी है, एक परसेंटेज ऑफ स्पर्म हेल्दी हैं, तो ये पेट्री डिश वाले से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो करा लेंगे, नहीं होता तो ICSI करा लेंगे। ICSI में क्या होता है, ICSI में क्या होता है, अ वेरी डेलिकेट शार्प एंड हॉलो निडल इज़ यूज टू इमोबिलाइज एंड पिकअप द सिंगल स्पर्म। एक सिंगल स्पर्म लिया जाता है जिसे वो इस ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है, एंड इट द नीडल इज देन केयरफुली इंसर्टेड थ्रू द सेल ऑफ द एग इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज इंजेक्टेड इन द साइटोप्लाज्म एंड द नीडल इज केयरफुली रिमूव्ड। दिस इज ICSI। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या करना है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ऐसे स्पर्म निकल आता है। ठीक है, इट्स अ वेरी 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 डिलिकेट सा इंजेक्शन जो सीधा ओवम के अंदर इंजेक्ट करते हैं और स्पर्म यहाँ पे निकल आता है और फिर इस ट्यूब को हटा लेते हैं और ये फर्टिलाइज हो चुका है। सो ये उनके लिए करते हैं जिनकी स्पर्म में कुछ दिक्कत है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं पास होते हुए भी, या फिर और भी कई सारी कंडीशन हो सकते हैं कि ओवम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है स्पर्म को। ठीक है, अब देखो पहले हमने कलेक्ट किया, फिर हमने फर्टिलाइज किया, अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसमें दो तरीके यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, ZIFT एंड IUT। ठीक है, ZIFT में ZYGOTE विद टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ZYGOTE इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें जो ZYGOTE है, देखो यहाँ पे ये एक ट्यूब है, कैथेटर कहते हैं, एंड इससे फर्टिलाइज्ड एग को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया गया, एंड दिस इज ZIFT प्रोसीजर। ठीक है, फिर IUT की बात किया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इसमें एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना दिन का ब्लास्टोमियर है एंड कौन सा प्रोसीजर डॉक्टर को करना है, कौन सा उस पर्टिकुलर केस के लिए बेस्ट है, वो डिसाइड करके वो प्रोसीजर करेगा। ठीक है, तो ZIFT एंड IUT हो गया। नाउ गिफ्ट इज इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एक गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ एन अदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। ठीक है, ये फीमेल, ये बेचारी अपना एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, इसको चाहिए था एग, ठीक है, इसके पास नहीं था, इसने दे दिया, इसने इसको गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ड्यू टू सम एबनॉर्मिलिटी कुछ हो सकता है उसको दिक्कत पर्टिकुलर, सो बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरमेंट, पर उसके पास सुटेबल एनवायरमेंट वो प्रोवाइड करा सकती है, सारे हॉर्मोन, सारी चीज़ें, इम्प्लांटेशन एंड फर्दर जितने भी मेथड्स होते हैं, पार्चुरेशन वगैरह सब अच्छे से हो जाएगा, बस एग ही नहीं है। सो एग उसको किसी और फीमेल का उसके अंदर डाल सकते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलप। हाँ, तो वो जो एग फर्टिलाइज करेंगे उसमें अब देखो चॉइस है, मतलब डायरेक्ट बाहर से ही फर्टिलाइज करके पेट्री डिश के फिर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, सो वो डिपेंड करता है। सो इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।